हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको बैंगन का भरता कुछ अलग तरीके से बना के दिखाती हूँ। ये मैंने 4 बैंगन लिए हैं, 2 आलू लिए हैं। मैंने इनको अच्छे से धो लिया है। अब इस तरीके से मुझे कट लगा के इनको अच्छे से चेक कर लेना है। कीड़े वगैरह होते हैं ना, बैंगन कुछ कुछ बैंगनों में कीड़े वगैरह पाए जाते हैं, तो इस तरीके से मुझे चेक कर लेना है। हमेशा बैंगन को चेक करके ही बनाना चाहिए। तो इस तरीके से कट लगा लेना है मुझे 4 बैंगन में, और कुकर में इस तरीके से रख देना है। और मैंने 2 आलू लिए थे वो भी रख दिए। और मुझे पानी डाल देना है इसमें, करीब आधा गिलास के हिसाब से मुझे पानी डाल देना है। और इसमें करीब, मेरे आलू बड़े हैं तो करीब इनमें 3 सीटी लगा दूंगी मैं इस तरीके से। और देखिए, मेरे आलू और बैंगन बॉईल भी हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे बॉईल हुए हैं ये। अब मैं इनको निकाल लूँगी, एक बड़े बर्तन में मुझे निकाल लेना है। और देखिए फ्रेंड, तो मैंने इस तरीके से मेरे उबल गए हैं। मैंने इस तरीके से कट भी लगा दिए थे इसमें। और इस तरीके से मुझे निकाल के अब इसके छिकल मुझे हटा देना है। ये मैंने ताजी बैंगन लिए थे, तो इस तरीके से छिकल निकाल दो, इजीली निकल जाते हैं छिकल इसके। तो चाहो तो बीज भी निकाल सकते हो, बीज भी बहुत इजीली हट जाते हैं इसके। और इस तरीके छिकल निकाल के और इनके डंठल भी निकाल देना है। और मैं कुछ कुछ बीज भी निकाल दूँगी। और इस तरीके से मुझे निकाल के आलूओं को भी छील लेना है। तो फ्रेंड, मैंने आलूओं को इस तरीके से छील के और उनके बैगन को मैंने इस तरीके से मैश कर लिया है। चाहो तो आप मैशर से कर सकते हो, पर मैंने हाथों से ही कर लिया इसको इस तरीके से मैश करके। ये मैंने एक बड़ा साइज का टमाटर लिया है, बड़ा साइज का प्याज ले लिया, आधे साइज लहसुन की कलियाँ ली मैंने, और कुछ अदरक ली मैंने, और 2 हरी मिर्च मैंने काट ली इस तरीके से। अब मैं चलती हूँ बनाने के लिए। तो देखिए, मैंने कढ़ाई रख दी, ऑयल भी डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें हींग डाल दूँगी, 2 पिंच के हिसाब से मैंने इसमें हींग डाल दी। और हींग कुछ, अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा जीरा डाल दूँगी, और मैं कुछ मसाले भी इसमें डाल दूँगी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मुझे डाल के मैं इसको चला दूँगी, इससे अच्छे से ये भुन जाए इस तरीके से। अब मैं इसमें अदरक को डाल देना है हमें इस तरीके से। अदरक को डालने के बाद मैं लहसुन को भी डाल दूंगी इस तरीके से। और डालने के बाद मैं इसको चला दूंगी इस तरीके से, मुझे चला लेना है। और थोड़ा चलाने के बाद अब मैं इसमें प्याज भी डाल दूंगी। और तीनों चीज़ों को डालने के बाद मुझे अच्छे से इनको पकाना है, ब्राउन करना है। हल्का ब्राउन होने तक मुझे इसको पका लेना है इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड, मैं इस तरीके से ये मेरा हल्का ब्राउन हो भी गए हैं। और देखिए, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। अब मुझे टमाटर डालने के बाद इनको भी हल्का सा चला दूंगी मैं इस तरीके से। अब इसी में मैं हरी मिर्च काट के रखी थी वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब मुझे हल्दी पाउडर को डाल देना है, और कुछ लाल मिर्च डाल देनी है, और उसके बाद मुझे ये धनिया पाउडर डाल देना है। अब स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल दें, और उनको भी अच्छे से चला के और करीब 1 मिनट मुझे ढक कर के पका लेना है। ज़्यादा नहीं मुझे पकाना है, बस 1 मिनट मुझे ढकना है। और उसके बाद देखिए, ये कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। अब मैं इनको भी हल्का सा चला लूँगी इस तरीके से, दबाते हुए मुझे चला लेना है। टमाटर मेरे अच्छे से गल भी गए हैं। तो अब इसी में मैंने बैंगन को मैश करके रखा था वो इसमें डाल दूंगी। ये मैंने लो फ्लेम कर ली है गैस की, और इस वक्त इसको डाल के मुझे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलूओं को मैं बाद में डालूंगी, पहले मैं बैंगन को मैश कर लूंगी इसमें इस तरीके से, और उसके बाद मैं आलू को डालूंगी। ये देखिए, मैंने डाल के मैश कर लिए हैं। अब मैं इसमें आलूओं को डाल दूंगी और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसमें। और अब मुझे गैस की फ्लेम बढ़ा देनी है, अब मुझे मीडियम कर लेनी है, और इसे करीब 3 से 4 मिनट तक ढक करके पका लेना है। देखिए, तो इस तरीके से मुझे ढक कर के 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद ये देखिए बैंगन का भरता कितना अच्छा बना है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।
तो इस तरीके से बनाइए, बहुत इजीली बन जाता है फटाफट। तो फ्रेंड मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।